नमस्कार दोस्तों, जब मैंने आपको वीडियो में कहा कि मारुति सुजुकी एक नया धमाका करने वाली है इंडियन मार्केट में, तो आप सब ने कहा कि नहीं, ये वीडियो तो फेक है। तो उन्होंने कर दिया ना, इनोवा को इनविक्टो बना के लॉन्च कर दिया ना। लेकिन अब ऐसे में जहाँ पे मारुति सुजुकी और इनोवा और टोयोटा का जो है वो बॉन्ड टूट रहा है, इसी साल में 2023 तक का था, 24 में दोनों कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ऐसे में टोयोटा अपने नए प्रोडक्ट लेके आएगी, मारुति सुजुकी अपने नए प्रोडक्ट लेके आने वाली है। अब ऐसे में मारुति सुजुकी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है ना भाई, पूरी इंडस्ट्री हिला के रख देगा। सबसे बड़ी बात कि मारुति सुजुकी ने लोगों का कहना माना और अपनी बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी कर दी है। अब नई गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं, छोटी हैचबैक्स को छोड़ के, लेकिन जितनी भी एमपीवी जो लॉन्च करने वाली है मारुति सुजुकी, एक नए प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाली है जिसको हाईटेक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। लास्ट टाइम इस पे सियाज बनी थी और जो सियाज थी उसकी जो बिल्ड क्वालिटी की रेशियो जो आई थी, जो एनकैप टेस्ट हुआ था, उसमें 4 स्टार उसने रेटिंग में पास किए थे। ऐसे में बिल्ड क्वालिटी तो मारुति सुजुकी अच्छी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि ऐसी गाड़ी की जिसकी बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा टाइम से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बजट था वो बहुत कम था और मुझे खरीदनी थी एक एमपी। अगर मैं सोचूं कि मैं टोयोटा वेलफायर खरीदूं तो उसकी कीमत है 1 करोड़, इनोवा खरीदूं तो 30 लाख प्लस जाता हूँ, अगर किया कैरेंस खरीदूं तो 20 लाख प्लस जाता हूँ, किया कार्निवल खरीदूं तो 40 लाख प्लस जाता हूँ। अब मेरा बजट है सिर्फ 10 और 20 लाख के बीच में। ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे जिसमें सारे फीचर्स हो, अच्छी गाड़ी हो, एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हो। जी हाँ, ऐसे में मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली है अपनी नई एको। एको के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इस जर्नी में 2 साल हो चुके हैं, सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और नेक्स्ट टाइम जो है अब वीडियो फुटेज नहीं चलेगी, फेस टू फेस बात होगी आप सबके साथ। आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, मैं आपको हर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं पूरा गाड़ियों का ज्ञान लेके बैठा हूँ। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना बजट बताइए, मैं आपको ऐसी गाड़ी रेकमेंड करूंगा कि आप सोचने में मरबूज हो जाओगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई भी किसी तरह का कोई चार्जेस इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी एको के बारे में। एको 3 मॉडल्स लॉन्च करने वाली है, 5 सीटर, 7 सीटर, 9 सीटर। अभी ये 9 सीटर वाला जो फंडा है ना भाई, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है इंडिया में और मारुति सुजुकी ही लॉन्च करने वाली है। और ये ऐसी एमपीवी होगी जो जिसका साइज होगा वो इनोवा जितना ही होगा, लेकिन भाई इसमें 9 सीटर लोग जो है वो बैठ सकते हैं। ऐसे के लिए मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी एक इन हाउस इंजन भी बना लिया है, बहुत ही रिफाइंड इंजन होने वाला है, एक रिफाइंड इंजन बनाया है। और यार क्या बताऊं आपको, गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो इसकी जो इमेजेस वगैरह जो लॉन्च हुई थी, लीक हुई थी, उसमें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ी दिख रही है। आपको फ्रंट में 2 डोर मिलेंगे, उसके बाद आपको स्लाइडिंग डोर मिलेगा, उसके बाद आपको पीछे में एक डोर मिल जाएगा। जी हाँ, फ्रंट में 2 पैसेंजर बैठेंगे और जो स्लाइडिंग डोर होंगे उसमें टोटल जो है वो 6 लोग बड़े आराम से बैठ जाएंगे, 6 से 7, 8 भी एडजस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा पीछे 2 सीटें आपको और मिलेंगी जिसमें 2 जने बड़े आराम से, 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। उसके अलावा भी आपको 300 लीटर का बूट इसमें मिल जाएगा। अब इसमें इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए उनको चाहिए एक ऐसा इंजन जो बहुत फ्यूल एफिशिएंट हो और ज्यादा मेंटेनेंस ना दे। उन्होंने अपने इन हाउस जो इंजन जो जनरेट किया है मारुति सुजुकी ने बनाया, वो बनाया 1.3 ड्यूल जेट इंजन, 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आने वाला है। जो 7 सीटर और 9 सीटर होगा उसमें होगा 1.5 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल, ये भी 4 सिलेंडर इंजन वाला है। ये दोनों के दोनों इंजन आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाले हैं, बहुत फ्यूल एफिशिएंट होने वाले हैं। फ्यूल एफिशिएंटी की बात करूं तो ये सिटी में आपको 20 से 22, हाईवे पे 25 से 26 की फ्यूल एवरेज बड़े आराम से दे जाएंगे। इसमें आपको 16 इंच के टायर जो है वो लगे हुए मिल जाएंगे, जो टॉप मॉडल आएंगे उसमें 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील जो है वो दिखाई दे सकते हैं। एक वाटरप्रूफिंग वाली कोटिंग जो है वो बॉटम और इनसाइड द कार वो मारुति सुजुकी की तरफ से मिलेगी। आपको लेदर सीट्स आपको मिलने वाली हैं, इंटीरियर बहुत खूबसूरत होने वाला है, लेदर सीट्स आपको मिल जाएंगी, डिक्लाइन इंक्लाइन आपको सीट्स कर सकती हैं, और जो पीछे वाली सीट्स है ना आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपके पास 9 सीटर है लेकिन आपको 9 सीट्स नहीं चाहिए, तो पीछे वाली 2 सीट्स है उनको निकाल दो, 500 लीटर का बूट आपको बन जाएगा। पूरा LED सेटअप आपको मिलने वाला है, फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिल जाएंगी, DRS मिल जाएंगे, जो फॉग लैंप्स है वो भी आपको LED मिल जाएंगे, ADAS सिस्टम आपको मिल जाएगा, 360 कैमरास आपको मिल जाएंगे। जो इसमें पैनल आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट पैनल, वो होगा जी 12 इंच का, टोटली डिजिटल होने वाला है, पूरा एक एप्पल फोन की तरह ये रिस्पॉन्स करेगा। 90Hz की स्क्रीन जो होगी वो इंस्ट्रूमेंट पैनल की होगी, जिसमें आप पूरा ट्रिप वगैरह सेटिंग करते हो, टच स्क्रीन आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। मारुति अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम टोटली चेंज करने वाली है
है भाई। अगर इनकी हिस्ट्री मैं बताऊं कि अगर 100 साल की हिस्ट्री है ना भाई इनकी, तो 100 साल में ये आप देख लो कि पहली बार इतनी बड़ी चेंजेस करने वाले हैं कि आपको हरमन गार्डन के म्यूजिक सिस्टम आपको देने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 6 स्पीकर्स मिलेंगे, एक सबवूफर आपको इसमें मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी भाई बढ़िया होने के साथ साथ इन्होंने अपना म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया कर दिया। अब आपको पता है कि जो हरमन गार्डन के म्यूजिक है ना सिस्टम है ना, जो टाटा की बड़ी गाड़ियों में आता है, अब मारुति सुजुकी ने भी वो अडॉप्ट कर लिया है। एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, ये आपको बेसिक मिल जाएगा। ऑटोमेटिक और मैनुअल मिल जाएगा। जो मैनुअल होगा वो 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, लेकिन जो ऑटोमेटिक होगा वो 7 स्पीड मिलेगा। इसमें आपको CVT ट्रांसमिशन जो ऑटोमेटिक में वो इंट्रोड्यूस कर सकती है मारुति सुजुकी। पावरफुल गाड़ी होने वाली है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी होने वाली है। जितने भी मिरर्स होंगे, जितने भी शीशे होंगे गाड़ी में, सब टिंटेड होंगे, क्योंकि भारत में गर्मी डे बाय डे बढ़ती जा रही है भाई। आपने देखा होगा कि समर में बहुत ज्यादा जो है गर्मी बढ़ रही है, टिंटेड ग्लास जो है वो किस हद तक रोक लेते हैं गर्मी। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, हार्टक प्लेटफॉर्म की। तो हार्टक प्लेटफॉर्म नया प्लेटफॉर्म जरूर है मारुति सुजुकी के लिए। इसमें गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो पहले से 40% तक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट टाइप का जो स्टील यूज कर रही है मारुति सुजुकी, जिससे क्या होगा कि गाड़ी की जो इम्पैक्ट झेलने की क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसे में गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी, ड्राइविंग स्किल्स इसमें अच्छे हो जाएंगे, कॉर्नरिंग गाड़ी की बढ़ जाएगी, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इसमें चारों के चारों आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएंगे, वॉइस कंट्रोल मिल जाएगा। इसमें जो AC लगा हुआ आएगा भाई वो नई प्रणाली का AC है। इसमें ड्यूल AC मिलेगा आपको, रियर पैसेंजर्स के लिए अलग AC मिलेगा, फ्रंट पैसेंजर के लिए वो जो है वो अलग से AC मिलेंगे। जो फ्रंट पैसेंजर के लिए होगा वो 2 सीट्स के लिए ही अवेलेबल होगा, वो छोटी AC यूनिट होगी, इंजन पर बहुत कंप्रेशन डालेगी। जो पीछे वाला AC होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और उससे क्या होगा इंजन का जो है कंप्रेशन जो है वो बहुत कम होगा। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ ये AC बना है, लेकिन कैबिन जो है वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो मुझे तो ये बहुत एक्साइटमेंट हो रही है गाड़ी के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देके मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये गाड़ी लॉन्च हो जाए। अब बात करते हैं कि कब लॉन्च होगी, कितने में लॉन्च होगी। तो गाड़ी एक्सपेक्टेड है कि आपको दिवाली के आसपास जो है वो इसका टीजर जो आपको देखने को मिल सकता है। अब कितने में लॉन्च होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, कितने में लॉन्च होगी। तो भाई मैं तो चाहता हूँ ये गाड़ी 10 लाख में लॉन्च हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 5 सीटर इसका वेरियंट है वो लॉन्च होगा ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास, जो 7 सीटर है वो 16 लाख के आसपास, और जो 9 सीटर है भाई वो 20 लाख का इसमें लॉन्च हो सकता है टॉप मॉडल। ये आपको बता दूं कि जितने भी इसमें टॉप मॉडल आएंगे सब में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स आपको मिल जाएंगे, सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, ये सब कुछ आपको कंप्लीमेंट्री मिलेगा भाई बेस मॉडल से ही आपको मिलने लगेगा। रियर कैमरास मिल जाएंगे, 360 डिग्री कैमरास आपको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल गाड़ी जो है मुझे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी। टोटल 6 कलर आने वाले हैं इसमें, तो आपका जो फेवरेट कलर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हो, आप खरीदना चाहते हो, एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हो, तो भाई अपना नाम, सिटी का नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मारुति सुजुकी को ये पता चल जाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस गाड़ी को लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग रेंज अच्छी है, जितनी भी इसकी कॉम्पिटिशन में गाड़ियां हैं सबसे सस्ती गाड़ी होने वाली है। ऊपर से मारुति सुजुकी की बैजिंग है भाई, भरोसा है मारुति सुजुकी पे। अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छा कर देते हैं तो मारुति सुजुकी को दोबारा से इंडियन जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि अब तक ये सबसे फेवरेट और सक्सेसफुल ब्रांड रहा है इंडिया का। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको फिर दोबारा मिलूंगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई ना कोई कमेंट सेक्शन जरूर छोड़ के जाना कमेंट में, मैं जरूर पढ़ूंगा जी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं जी, तब तक के लिए जय श्री राम।